ओम शांति। 23 अप्रैल 2024 की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। प्रश्न, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? उत्तर, तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाप ही सब को वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतोप्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतोप्रधान बनाएगा। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम सतोप्रधान बन जाएंगे, तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक भी बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमोप्रधान से सतोप्रधान बनते हो, फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो। फिर बाप शिक्षा देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था, अब महीन बुद्धि का ज्ञान है। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है, ये भी समझाना है, आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है, सिर्फ वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम लेते हो, इसलिए तुमको तमोप्रधान बनना पड़ता है। फिर सतोप्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, अब अभूल बनना है, भूल नहीं करनी है। अगर भूले करते रहेंगे तो तुम और भी तमोप्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो, तो तुम सतोप्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में नंबरवार पास होते हैं, नंबरवार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबरवार पास होते हो, फिर नंबरवार मर्तबा पाते हो। कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ प्रजा दास दासियां। जो स्टूडेंट अच्छे, सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होते हैं, वह जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेंगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं, गफलत ना करो। ऐसे मत समझो कल पहले भी फेल हुए थे। बहुतों को ये दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं, तो जरूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते हैं। तुम सतयुगी सतोप्रधान से कलयुगी तमोप्रधान बने हो, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतोप्रधान बनने लिए बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम चढ़ते चढ़ते सतोप्रधान बन जाएंगे, चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसलिए भूलो मत। परंतु माया भुला देती है, ना फरमान बरदार बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वह मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते हैं। तो बाप कहेंगे कि आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है। बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं ऐसी शिक्षाएं और कोई देंगे नहीं। चेंज भी जरूर होना है। चित्र कितना अच्छा है,
ब्रह्मावंशी हो फिर विष्णुवंशी बनेंगे। ये है नई ईश्वरीय भाषा, इनको भी समझना पड़ता है। ये रूहानी नॉलेज कोई देते नहीं, कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बिगर कोई हो न सके। इमिटेशन बहुत हो जाती है, ये है नई बात। तुम बिल्कुल थोड़े हो और कोई ये बातें समझ न सके। सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थूर नहीं है, फिर थूर खड़ा हो जाता है, बाकी टालटालियां नहीं रहेंगे, वह सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप ही बेहद की समझानी देते हैं। अब सारी दुनिया पर रावण राज्य है, ये लंका है, वह लंका तो समुद्र के पार है, बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है, चारों तरफ पानी है। वह हद की बातें बाप बेहद की बातें समझाते हैं, एक ही बाप समझाने वाला है। ये पढ़ाई है, जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं, उसमें ही बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना, उठते बैठते चलते फिरते याद करना है, स्टूडेंट की बुद्धि में ये पढ़ाई रहती है। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं कि कहाँ नापास न हो जाए, खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशंस गंदे होते हैं। बाप ने समझाया है, देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत है, शुरू शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते थे, अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है, ये है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई। सिवाय एक के और कोई पढ़ा न सके, साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखलाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता एक बाप ही बदलाते हैं, एक बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सब वानप्रस्थ ही हो, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है, कोई पढ़े वा न पढ़े वापस तो सबको जाना है। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी वह अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है, ये सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, जरा भी फर्क नहीं। लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, लीवर बिल्कुल एक्यूरेट घड़ी रहती है, इसमें भी किनका बुद्धियोग लीवर रहता है, किनका सिलेंडर रहता है, कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं है, घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं है। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तो राजाई में जाएंगे, सिलेंडर प्रजा में जाएंगे, पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है। राजाई पद पाने वालों के लिए ही फोटो में कोई कहा जाता है, वही विजयमाला में पिरो जाते हैं। बच्चे समझते हैं मेहनत बरोबर है, कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेंगी, मल युद्ध होती है ना, उसमें बड़ी संभाल रखते हैं, पहलवानों को पहलवान जानते हैं। यहाँ भी ऐसे है, महावीर बच्चे भी है, उनमें भी नंबरवार है, अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह तूफान में लाती है। बाबा ने समझाया है।
माया कितना भी हैरान करे, तूफान लाए, तुम खबरदार रहना, कोई बात में हारना नहीं। मनसा में तूफान भल आए, कर्मिंद्रियों से नहीं करना है। तूफान आते हैं गिराने के लिए, माया की लड़ाई न हो तो पहलवान कैसे कहेंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्मिंद्रियों के वश हो झट गिर पड़ते हैं। ये बाप तो रोज समझाते हैं, कर्मिंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अंदर खुद भी समझते हैं हम नापास हो जाएंगे। जाना तो सबको है। बाप कहते हैं मेरे को याद करते हो तो याद भी विनाश को नहीं पाती है, थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे। थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे ये भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिप नहीं सकते, कौन क्या क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते हैं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाए तो किस पद को पाएंगे, बाबा से पूछ भी सकते हैं। आगे चलकर आप ही समझते जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज पूछ कर नहीं आती है। रावण तो बैठा ही है। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो पास होते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। राजाएं जरूर समझदार चाहिए जो रैयत अर्थात प्रजा को संभाल सके। ICS इम्तिहान में थोड़े ही पास होते हैं। बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने। अब बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। ये है वही गीता का एपिसोड। डबल सिरताज बनने की ही गीता है। बनाएंगे तो बाप ना। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो अच्छे बुद्धिमान हैं, उनके पास धारणा भी अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर रात्रि क्लास है 5 जनवरी 1969 का। बाबा कहते बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं हमारा टीचर कौन है। अभी यही याद कि हमारा टीचर कौन है स्टूडेंट को सारा समय रहती है, यहाँ भूल जाते हैं। टीचर जानते हैं बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसा रूहानी बाप तो कब मिला नहीं, संगम युग पर ही मिलता है। सत्ययुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं। ये याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए कि ये संगम युग है जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आने चाहिए। टीचर को याद करो तो भी तीनों याद, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आनी चाहिए। ये जरूर याद करना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को सतो प्रधान ही कहा जाता है। वह रहते ही है सत्ययुग में। अभी चक्र लगा कर आए हैं, संगम युग है। कल्प कल्प बाप भी आते हैं, पढ़ाते हैं। बाप के पास तुम रहते हो ना, ये भी जानते हो ये सच्चा सद्गुरु है और बरोबर मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार
हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते हैं, यहां शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। जैसे ये सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ को फॉलो करते हो। यहाँ जैसे ये सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो ना। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है, गंदगी कोई भी ना हो। और बहुत खास बात है बाप को याद करने की, समझते हैं बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता है, मैं स्टूडेंट हूँ ये भी भूल जाता है। याद तो तीनों पढ़नी चाहिए, बाप को याद करे तो टीचर सदगुरु जरूर याद पड़ेंगे, शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ दैवी गुण भी जरूर चाहिए। बाप की याद में है करामत, करामत जितनी बाप बच्चों को सिखलाते हैं उतनी और कोई सिखला न सके। तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सत्व प्रधान बनते हैं, तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है, अभी इस एक ही जन्म में सत्व प्रधान बनना है। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है, दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे, बच्चों ने साक्षात्कार किया है, धर्म स्थापक आते हैं, पार्ट बजाया हुआ है फलानी फलानी ड्रेस में, तमो प्रधान में वह आते हैं, समझ भी कहती है जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और सभी भी बनेंगे। पवित्रता का दान बाप से लेंगे, सभी बुलाते हैं हमको यहाँ से लिबरेट कर घर ले चलो, गाइड बनो। ये तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है, अनेक बार घर जाते हैं, कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में ही नहीं रहते, कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते हैं, अंत में आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष शांति धाम में रहे हैं, हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है, 83-84 जन्म लिए हैं, तो बहुत होशियार होंगे, वह जरूर पहले आए होंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सत्व प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है, माया के तूफानों की परवाह न कर कर्मेंद्रियां जीत बनना है, लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। वरदान, सेवा द्वारा खुशी शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। तो आज का सम्मान, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ। विश्लेषण, सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है, सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना ये पुण्य का काम है, जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। स्लोगन, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो
तो अंदर का तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। विघ्न आया है नहीं, परंतु हर बात में कल्याण है, ये दृष्टिकोण यही मनसा वाचा में चले। आज का व्यक्ति इशारा है, किसी के स्वभाव अथवा संस्कारों को देख किनारा करना, ये भी घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश है। इसका रॉयल शब्द है, अपनी अवस्था को खराब करें, इससे किनारा करना अच्छा है। लेकिन न्यारा बनना और चीज है, किनारा करना और चीज है। प्यारे बन न्यारे बनते हो वह राइट है, लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव ये ऐसा है, ये तो बदलना ही नहीं है। ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में श्रापित करते हो, खुद सेफ रहो लेकिन दूसरे को फाइनल सर्टिफिकेट नहीं दो। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास 9:45, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 5:45। ओम शांति। शुभ दिवस।